आपके घरों में एलपीजी सिलेंडर होता है तो जब वो लीक हो जाता है तो आपको कई बार पता नहीं लगता, उसकी स्मेल नहीं आ पाती, तबीयत ख़राब होती है, कोरोना वजह से उसकी स्मेल नहीं आ पाती, तो वो जो लीकेज है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो उसका पता कैसे लगाएं? लीकेज जो है वो फायर से भी ज़्यादा ख़तरनाक, वो एक्सप्लोजन के साथ मिल सकती है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एलपीजी लीकेज का पता लगाने के लिए एलपीजी डायरेक्टर। नमस्कार, मेरा नाम विजय दैया है और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एलपीजी डिटेक्टर की। चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ये हमारा गैस डिटेक्टर है, ये इसकी वायर है, ये एसी पावर्ड है, 220 वोल्ट पे चलता है। तो ये जो डिटेक्टर है ये कंपनी बोलती है कि ये एलपीजी को डिटेक्ट कर लेगा, तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं ये एलपीजी को कैसे डिटेक्ट करते हैं। ये देखिए हमने इसको पावर से कनेक्ट कर दिया है और अभी है ना 2 से 3 मिनट तक ये येलो लाइट फ्लैश करेगी और ये हमारा वार्म अप हो रहा है। अभी ये हमारा टेस्ट बटन दे रखा है, इसके अंदर जब हम इसको दबाएंगे तो ये बीप देगा। अब इसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और जैसे ये वार्म अप हो जाता है फिर इसका टेस्टिंग करेंगे हम। ये देखिए येलो लाइट फ्लैश होनी बंद हो गई है, अभी हम इसका टेस्ट करते हैं। ये हमारा बर्नर, हमने इसको बर्नर पर रखा और ये हमने नॉब ऑन कर दी। अब आप देखते हैं कितनी देर में डिटेक्ट करता है। देखिए इसने एलपीजी चेंज कर ली है और ये काफ़ी ज़ोर से आवाज़ कर रहा है, ये अलार्म के साथ वो कर रहा है। तो इस तरह से आपकी गैस लीकेज डिटेक्ट कर लेगा। चलिए एक बार और दोबारा से इसका वो देखते हैं एलपीजी लीकेज डिटेक्ट कैसे करता है। हमने इसको बर्नर पर रखा और दोबारा से हमने नॉब ऑन की, अभी देखते हैं कितनी देर में डिटेक्ट करता है। ये देखिए विद इन 2 से 3 सेकंड इसके अंदर इसने डिटेक्ट कर लिया है एलपीजी को, तो ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो जैसा कि आपने देखा ये एलपीजी डिटेक्टर उसके ऊपर रखते ही विद इन 2 से 3 सेकंड में अलार्म बजा दे रहा है। अगर आपके घर में एलपीजी है तो इसको नीचे रखना पड़ेगा, सिलेंडर के जो बॉटम लेवल है वहाँ पर रखना पड़ेगा, एलपीजी हवा से भारी होती है। और अगर आपके घर में पीएनजी कनेक्शन है, गैस की जो पाइपलाइन आती है उसमें पीएनजी आता है, तो इसको छत की तरफ ऐसे लगाना पड़ेगा एज़ पर कंपनी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि पीएनजी आवाज़ से हल्के होते हैं तो उसको डिटेक्ट कर लेगा। आप इसको लगा के जो घर में एलपीजी से लीकेज से जो दुर्घटना होने वाली होती है आप उससे काफ़ी हद तक इसमें बचा सकते हैं और अपने फैमिली की अपने नॉन टू की जो रिस्क है, फायर का रिस्क है, जो फैटलिटी हो सकती है उनको आप उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। ये 1000 रुपये के आसपास का है और इसके ये ऑनलाइन मिल जाता है, आप इसको अपने घर में लगाइए और अपने नॉन टू की अपने फैमिली की सेफ्टी इंश्योर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।